तो जैसा कि दोस्तों हमारे पास प्लेटिना है, तो प्लेटिना में दोस्तों क्या होता है, इसके ब्रेक पेडल की जो है स्प्रिंग टूट जाती है। तो हम ये प्लेटिना में जो है ब्रेक पेडल की स्प्रिंग डाल के दिखाने वाले हैं। बड़ी पार से डल जाती है दोस्तों, ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती है। सबसे पहले दोस्तों इसके लिए हमें ये पिन जो है इसकी निकाल लेनी है। पिन निकालने के बाद इस तरह की वाशर निकलेगी, वाशर निकालने के बाद बड़ी प्यार से पैडल जो है इसका बाहर आ जाएगा। अब पैडल निकालने के बाद दोस्तों क्या करना है, देखिए हमारी स्प्रिंग है और ये देखिए टूट चुकी है, तो इसको हमने निकाल लिया है जैसा कि, और ये निकाल लेता हूँ नीचे से भी। तो ये दोस्तों टूट गई है। अब इसके लिए दोस्तों दूसरी अप्लाई करनी है, देखिए हमारे पास दूसरी स्प्रिंग है वाली। अब इसको अप्लाई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले नीचे छेद में लगाना है, इसमें जो मेन स्टैंड के पास होता है अंदर, और इस तरीके से आपको इसको फिट कर देना है। अब इसको फिट करने के बाद दोस्तों क्या करना है, इसकी जो वाशर आई थी वो बड़ी प्यार से लगा लेनी है आपको। पहले स्प्रिंग नहीं लगानी है दोस्तों, और स्प्रिंग पहले लग जाए तो ज़्यादा बढ़िया। पहले वैसे लगती नहीं है क्योंकि मेरा पिछला टायर खुला हुआ है, इसलिए दोस्तों लग गई है। और इसको मैं बैक कर लेता हूँ, उसके बैक करने के बाद इसकी वाशर और लॉक इसका लगा लेंगे। ये वाशर हमने लगा लिया, उसके बाद दोस्तों एक लॉक जो आता है वो लगा लेंगे। और दोस्तों इस तरीके से देखिए लॉक लगता है, इस तरीके से दोस्तों ब्रेक पैडल जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करने लग जाता है। इस तरह आप वीडियो